जनजातीय जिला लाहौल स्पीति आलू बीज हरा मटर और गोभी के बाद अब सेब के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने लगा है। जिला में कृषि के साथ साथ अब सेब भी जनजातीय लोगों की आर्थिकी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहा है। बागवानी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक घाटी में 1140 हेक्टेयर क्षेत्र में सेब की पैदावार की जा रही है। घाटी में इन दिनों सेब तुड़ान का काम चल रहा है। बागवानों को बगीचों में ही 60 से 70 रुपए प्रति किलो सेब के दाम मिल रहे हैं। उद्यान विकास अधिकारी निकिता वैद्य का कहना है कि लाहौल घाटी में सेब की ओर बागवानों का रुझान बढ़ता जा रहा है और वर्तमान समय में 1140 हेक्टेयर में सेब की बागवानी की जा रही है। लाहौल में सेब की बागवानी हो रही है एट प्रेजेंट, जो कि करंट स्टैटिस्टिक्स है वो है 1140 हेक्टेयर पे सेब की बागवानी हो रही है और जो लेटेस्ट प्रोडक्शन है वो है 318 हेक्टेयर जो कि एप्पल की प्रोडक्शन है। और लाहौल की क्लाइमेट को देखते हुए यहाँ के लिए जो सूटेबल वेराइटी है वो है जैसे आपके गाला सीरीज हो गए, किंग रॉट, ऑरिगन स्पर, सुपर चीफ, रेड चीफ और आपका रेड विलॉक्स, ये जो कुछ वेराइटीज़ है जो कि लाहौल के लिए बहुत ही सूटेबल है। और जो लाहौल के सेब की खासियत है वो है कि यहाँ के सेबों की शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है, ड्यूरेबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा है और वो जूसी और क्रिस्पी काफ़ी ज़्यादा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि लाहौल के सेब ऑफ सीज़न में जाते हैं तो उनकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है। के साथ साथ धीरे धीरे सेब की बागवानी में भी आगे आते जा रहे हैं, सेब का जो क्षेत्रफल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो और अब मैं लोगों से, यहाँ के बागवानों से यही गुजारिश करूँगी कि वो एग्रीकल्चर के साथ साथ सेब की बागवानी में भी आगे आएँ। और जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि लोग आगे भी आ रहे हैं और जो क्षेत्रफल है वो बढ़ता जा रहा है और लोगों की आर्थिक स्थिति भी सेब की बागवानी से बहुत सुदृढ़ होती जा रही है। तो बागवानों से यही गुजारिश है कि वो इसे सेब की बागवानी को, लाहौल की सेब की बागवानी को और सफल बनाएं।